दोनों सात समंदर पार से आने वाले प्रवासी पक्षियों की भी पहली पसंद बन चुके हैं। सर्दी के मौसम में भोजन की प्रचुर उपलब्धता और प्रजनन के लिए अनुकूल मौसम की वजह से मेहमान पक्षी हजारों मील की दूरी तय करके यहां पहुंचते हैं। मेहमान पक्षी का ये कोलाहल पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों को भी खूब पसंद आ रहा है। बारां की कुदरती फिजा इन दिनों देसी विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से गुंजायमान होने लगी है। अधिकांश जलाशयों में दुनिया के कोने कोने से आ रहे प्रवासी पक्षियों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। सर्द मौसम में इन पक्षियों की चहचहाहट ने जलाशयों की सुंदरता को चार चांद लगा दिया है। बारां के जलाशयों में इन दिनों 80 से ज्यादा प्रजाति के प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट पक्षी प्रेमी और पर्यटकों को भी आकर्षित कर रही है। प्रवासी पक्षियों में ग्रेलेग गीज, कॉमन पोचार्ड, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, यूरेशियन यूजियोन, नॉर्थन पिंटेल, नॉर्थन सावलर, कॉमन टील, कॉटन टील, लिटिल ग्रीब, रूडी शेल्डक जैसे पक्षी शामिल हैं। ये पक्षी करीब 2 महीने करीबन यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे ना तो किसी को मच्छी मारने के अलावा और गांव के पूरे सुरक्षा करते हैं इसकी, और कोई अगर इनको आता है कोई मारने की कोशिश करता है तो उसको गांव के मिलकर के उसको भगा देते हैं। ठंड के दिनों में इन प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। ये प्रवासी पक्षी करीब 6 महीने तक विभिन्न जलाशयों में अपना बसेरा डालकर रखते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए भोजन की प्रचुरता और प्रजनन के लिए आदर्श स्थिति होने से ये प्रवासी पक्षी पिछले 8 साल से यहाँ पहुँचते हैं। वन विभाग द्वारा हर साल जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की गणना की जाती है। 2 दिन से चल रहे इस गणना में 30 से ज्यादा यूरोपीय, साइबेरियन और ठंडे प्रदेशों से आने वाले प्रवासी पक्षी देखे गए हैं। हालांकि टिड्डी के प्रकोप का असर प्रवासी पक्षियों के आगमन पर भी देखा जा रहा है। सोरसन में तो वाटर बॉडीज भी बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है और आज भी रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी जो आज से 5 साल 10 साल पहले आते थे ठीक है, तादाद कुछ घटते बढ़ते रहते हैं। कई सारे रेप्टर्स इस बार कम दिखे हैं यहाँ पे, जो रूटीन में माइग्रेटरी रेप्टर्स आते हैं। उसका एक वजह ये भी हो सकता है क्योंकि इस बार डेजर्ट में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, कच्छ में, कई जगह पे लोकस का अटैक हुआ है। प्रवासी पक्षियों की इस चहल पहल ने बारां के झीलों और जलाशयों की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। पक्षी प्रवासियों के आगमन से पक्षी प्रेमियों में खासा उत्साह है, वहीं पर्यटकों की भी बहार होने लगी है। राम मेहता, जी मीडिया, बारां।